हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी लर्निंग की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी जो है यूपी टीचर वैकेंसी जो आई हुई है टीजीटी और पीजीटी की उत्तर प्रदेश की, उसमें और बीएससी और एमएससी के स्टूडेंट्स के लिए यह जो चैप्टर है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यह चैप्टर जो है इकोनॉमिक बॉटनी का है, फाइबर एंड फाइबर प्लांट्स। ठीक है, तो कौन कौन से फाइबर जो हैं और कौन कौन से फाइबर जो हैं कौन से प्लांट से प्राप्त होते हैं, इस चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे। प्लांट्स दैट यील्ड फाइबर हैव विदाउट क्वेश्चन बीन सेकंड ओनली टू फूड प्लांट इन देयर यूजफुलनेस टू मैन एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन द एडवांसमेंट ऑफ सिविलाइजेशन। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो प्लांट्स हैं, जो फूड यील्डिंग जो प्लांट्स हैं, उनके बाद जो सेकंड नंबर पे जो इम्पोर्टेंट प्लांट्स आते हैं वो हैं फाइबर यील्डिंग प्लांट्स, जिनसे कि हमें फाइबर्स मिलते हैं और जो कि हमारे सिविलाइजेशन के ग्रोथ में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। सबको पता है कि प्लांट से ही हमें फूड मिलता है, शेल्टर के लिए बहुत सारी चीज़ें और क्लॉथिंग के लिए भी फाइबर्स हमें प्लांट से मिलते हैं, जबकि एनिमल से भी हमें कुछ फूड मिलते हैं और कुछ फाइबर्स भी मिलते हैं। लेकिन बहुत समय पहले से ही जो फाइबर्स जो हमें प्लांट से मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा लोगों के द्वारा पसंद किए जाते हैं, और जो प्लांट्स से फाइबर हमें मिलते हैं वो बहुत ही स्किन को और हमारी बॉडी को बहुत ही सूदिंग इफ़ेक्ट देने वाले होते हैं। वैसे तो हम प्लांट्स के हर एक पार्ट का यूज करते हैं, चाहे वो रूट हो, लीव्स हो या स्टेम हो, और फाइबर भी जो है हमें प्लांट के अलग अलग पार्ट से मिलता है। कुछ तो फाइबर कुछ प्लांट के स्टेम से मिलते हैं तो कुछ फ्रूट से मिलते हैं, इस तरह से रूट से, लीव से, स्टेम से, सभी से हमें फाइबर मिलते हैं। ऑलमोस्ट फ्रॉम द आउटस्ट्रेच प्लांट फाइबर हैव हैड ए मोर एक्सटेंसिव यूज देन द वूल, मीन्स कि जो प्लांट के जो फाइबर हैं वो ज़्यादा यूज होते हैं देन वूल एंड सिल्क। एज सिविलाइजेशन एडवांस एंड मैंस नीड्स मल्टीप्लाइड द यूज ऑफ दिस वेजिटेबल्स फाइबर इंक्रीजेज ग्रेटली अंटिल एट द प्रेजेंट टाइम दे आर एट द इनॉर्मस इम्पॉर्टेंस इन आवर डेली लाइफ। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एस्टिमेट द नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ फाइबर प्लांट, मीन्स कि जो हमारे कंट्री में फाइबर प्लांट या अर्थ पे जो भी फाइबर प्लांट्स हैं उनके नंबर को एस्टिमेट करना संभव नहीं है। 750 अकर इन द फिलिपिन आइसलैंड एलोन, मीन्स कि फाइबर यील्डिंग प्लांट्स की बहुत सारी वेराइटीज़ पाई जाती हैं। इट इज़ रिमार्केबल फैक्ट दैट मोस्ट प्रोमिनेंट फाइबर ऑफ द प्रेजेंट डे आर ऑफ द ग्रेट एंटिक्विटी। कल्टिवेशन जो होता है फ्लैक्स का, फॉर एग्जाम्पल, गोज बैक टू द स्टोन एज ऑफ यूरोप एज एविडेंस बाय द, मीन्स कि ये जो फाइबर्स होते हैं, फाइबर वाले प्लांट होते हैं, इनका जो कल्टिवेशन होता है बहुत समय पहले से होता है। कॉटन वॉज द एंशियंट नेशनल टेक्सटाइल, कॉटन जो है वो क्या है, बहुत ही पुराना इंडियन टेक्सटाइल है कॉटन का, मीन्स कि बहुत समय पहले से इंडिया में कॉटन का कल्टिवेशन किया जाता है और इससे फाइबर्स बनाए जाते हैं और क्लॉथ बनाए जाते हैं। इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर अगर हम देख लें तो इसको जो है फाइबर्स को 6 ग्रुप में बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूटिलाइजेशन, कि इनके क्या क्या यूटिलाइजेशन है। तो स्ट्रक्चर एंड अकरेंस ऑफ फाइबर, तो यहाँ पे हम देखेंगे फाइबर के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं और इनके अकरेंस क्या है। ऑल द पुट टू सो मैनी डिफरेंट यूजेज एंड परहैप्स द डिफरेंट टेक्सचर स्ट्रेंथ केमिकल कंपोजिशन एंड प्लेस ऑफ ओरिजिन विद द फ्यू एक्सेप्शन फाइबर्स आर अलाइक इन दैट दे आर स्क्लेरेंट काइमेटस सेल्स एंड सर्व एज पार्ट ऑफ द प्लांट स्केलेटन। तो जितने भी फाइबर्स हमें मिलते हैं प्लांट से वो सारे के सारे जो होते हैं स्क्लेरेंट काइमेटस सेल्स के बने होते हैं, और ये जो कोई भी प्लांट है ना तो उसके स्ट्रक्चर में इसका बहुत बड़ा रोल रहता है, मीन्स कि उसके जो स्केलेटन जो उसका बॉडी पार्ट होता है जो कि उसको हार्डनेस प्रोवाइड करता है उसमें ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं। और ये जो है लॉन्ग एंड थिक वॉल्ड सेल्स होती हैं, जो स्क्लेरेन काइमेटस सेल्स होती हैं, ये लॉन्ग एंड थिक वॉल्ड सेल्स होती हैं और इसमें स्मॉल कैविटीज होती हैं और इनके जो दोनों एंड होते हैं यूजुअली पॉइंटेड होते हैं। वॉल ऑफन कंटेन
लिग्निन एज वेल एज द सेलुलोज, और इनकी जो स्क्लेरेनकाइमेटस जो सेल्स होती हैं वो उनके जो सेल वॉल होते हैं सेलुलोज के साथ साथ लिग्निन के भी बने होते हैं। फाइबर्स में अकर्स सिंगली और इन स्मॉल ग्रुप्स, कभी कभी ये फाइबर सेल्स जो होती है ग्रुप में भी होती है। फाइबर मे बी फाउंड इन ऑलमोस्ट एनी पार्ट ऑफ द प्लांट, मीन्स कि प्लांट के किसी भी पार्ट में हमें ये फाइबर्स मिलते हैं, या तो स्टेम, लीव्स, रूट, फ्रूट, इवन सीड में भी। जो फोर चीफ टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू ओरिजिन इंक्लूड बास्ट फाइबर, वुड फाइबर, स्क्लेरेनकाइमा सेल एसोसिएटेड विद द वेस्कुलर बंडल स्ट्रैंड इन लीव्स एंड द सर्फेस फाइबर विच आर हेयर लाइक आउटग्रोथ, मीन्स कि इनके ओरिजिन मीन्स कि कौन से पार्ट से, प्लांट के कौन से पार्ट से हम इनको प्राप्त करते हैं, उनके बेसिस पे हमने इनको डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि हमारा हो जाएगा बास्ट फाइबर, एक तो हो जाता है बास्ट फाइबर, वुड फाइबर होता है, ये स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स का बना होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। लाइक बास्ट का मतलब ही होता है क्रिटिसिज्म ऑन द ग्राउंड दैट इज गिव नो इंडिकेशन एज टू द पर्टिकुलर टिश्यू और रीजन इन विच द फाइबर अकर, मीन्स कि बाहर से देखने पे नहीं पता चलता है कि ये फाइबर है, लेकिन फाइबरस सेल्स का बना होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे फाइबर ऑफ इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस आर फर्निश्ड बाय मेनी डिफरेंट फैमिलीज ऑफ द प्लांट, पर्टिकुलरली कौन कौन सी प्लांट की फैमिली से हमें फाइबर प्राप्त होते हैं इसके बारे में है। ग्रेमिनी, पाल्मेसी है, म्यूसिएसी है, लिलिएसी है, एमरेलिडिएसी है, यूर्टिकुलेसी, मालवेसी एंड लेग्यूमिनेसी से भी कुछ प्लांट हैं, जो कि बॉम्बेसी से, और यहाँ पे टीलीएसी एंड ब्रोमिलिएसी, इन सारी प्लांट की फैमिली से हमें फाइबर मिलते हैं। टेक्सटाइल फाइबर क्या होते हैं, टेक्सटाइल फाइबर हैव सर्टेन स्पेशल रिक्वायरमेंट, ये ज़्यादा ही स्ट्रेंथ होनी चाहिए, इसमें हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होनी चाहिए जो टेक्सटाइल फाइबर होते हैं, और इनमें कोहेसिव प्रॉपर्टीज भी होनी चाहिए। तो ये टेक्सटाइल फाइबर ये होते हैं। अब इसमें हम बात करेंगे सरफेस फाइबर, जो कॉटन होता है, जो कि कपास से हमें, कपास की खेती करके हमें मिलता है कॉटन फाइबर, या मीन्स की कॉटन की खेती करते हैं उसके फूल में ये निकलते हैं। तो ये जो फाइबर होते हैं ये सरफेस फाइबर होते हैं। द सॉफ्ट फाइबर आर द बास्ट फाइबर विच आर ऑब्टेन चीफली फ्रॉम द पेरिसाइकल एंड सेकेंडरी फ्लोएम ऑफ द स्टेम ऑफ द डाइकर, जो ये सरफेस फाइबर होते हैं इनके बारे में हम बातें हो रही हैं। और कुछ जो फाइबर हैं वो फ्लैक्स से, हैम्प से, जूट से और मई से भी प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे यहाँ से सरफेस फाइबर में, जो सबसे पहला एग्जांपल है वो है कॉटन। तो एक एक फाइबर को हम लोग अब सेपरेटली देखते चलेंगे कि उनकी विशेषताएं क्या हैं, कौन से प्लांट से ये प्राप्त होते हैं। तो कॉटन जो है सबसे पुराना फाइबर का टाइप है, और ये बहुत बहुत समय पहले से इसकी खेती होती जा रही है, और यहाँ से फाइबर जो निकलते हैं उनसे धागे बनते हैं, और धागों से जो है कि क्लॉथ बनाए जाते हैं। कॉटन हैड बीन इंडिया में कब से 1800 BC बिफोर क्राइस्ट से यूज होते आ रहे हैं, और 52 मीन्स कि कॉटन की जो हिस्ट्री है इंडिया में 1800 BC से लेके 1500 AD तक है, और आज भी है। ठीक है, हिंदूज वेयर द फर्स्ट पीपल टू वीव द क्लॉथ, मीन्स कि हिंदू ही पहले वो लोग थे जो कि क्लॉथ को वीविंग करते थे, क्लॉथ बनाते थे धागों से। और कॉटन जो है इंट्रोड्यूस किया गया यूरोप को बाय द महामदन, एंड द वर्ड इटसेल्फ इज ड्राइव फ्रॉम द अरेबिक। ठीक है, तो इस तरह से सबसे पहले जो कॉटन की हिस्ट्री है वो इंडिया में ही मिलती है, उसके बाद जो है यहाँ से दूसरे और देशों में फैलती है, तो वहाँ भी लोग जो है इसको यूज करने लगे, और इसकी मांग बढ़ती गई क्योंकि लोगों को ये कॉटन फाइबर बहुत ही ज़्यादा पसंद आते थे, और इससे बने हुए कपड़े बहुत ही सूदिंग इफेक्ट देते थे, इसलिए ये बहुत ही पसंद आते थे। यहाँ पे इस फिगर में आप देख सकते हैं कॉटन का प्लांट है, और ये इसमें जो वाइट वाइट फ्लावर्स हैं ये कॉटन है। यहाँ पे करेक्टरिस्टिक ऑफ कॉटन देखेंगे, तो कॉटन की हिस्ट्री देख ली कि सबसे पहले कहाँ पे पाया गया था, कॉटन इंडिया में
1800 BC से ही कल्टीवेट किया जाता है, और हिंदू जो है सबसे पहले इसके थ्रेड को बनाया इन्होंने, और क्लॉथ भी वीविंग की, क्लॉथ बुना इससे। अब हम देखेंगे कॉटन के करेक्टरिस्टिक के बारे में। तो कॉटन इज द ऑब्टेंड फ्रॉम द सेवरल स्पीसीज ऑफ जेनस गॉसिपियम, मीन्स कि कॉटन का जो प्लांट होता है उसके बहुत सारी स्पीसीज होती हैं, उनसे ये हमें प्राप्त होता है। और यह जो है व्हाइट कलर का फाइबर होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से हम इनको निकाल के बांधते हैं और फिर इनसे हम धागों को बनाते हैं। दिस टाइप ऑफ एनवायरनमेंट इज स्पेशली करेक्टरिस्टिक ऑफ द साउदर्न यूनाइटेड स्टेट एंड रिवर वैली ऑफ द इंडिया एंड द इजिप्ट, मीन्स कि कॉटन को ग्रो होने के लिए किस तरह का क्लाइमेट चाहिए, यह जो है इंडिया और साउदर्न यूनाइटेड स्टेट में और इजिप्ट में मिलता है। कॉटन जो होता है मैच्योर हो जाता है 5 to 6 months में, रेडी फॉर पिकिंग सून आफ्टर राइपनिंग। कॉटन के जो फ्रूट होते हैं जल्दी ही पक जाते हैं और फिर उनसे हम कॉटन को निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे काइंड ऑफ कॉटन में, तो यहाँ पे है 100 ऑफ द वेराइटीज ऑफ कल्टीवेटेड, मीन्स कि कॉटन की जो प्लांट को हम ग्रो करते हैं उसमें बहुत सारी वेराइटीज हैं, 100 ऑफ वेराइटीज हैं स्पीसीज की, प्लांट्स हैं कॉटन की। तो यहाँ पे एक जो स्पीसीज है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, गॉसिपियम बारबे डेंस। गॉसिपियम बारबाडेंस जो है यह नेटिव होम ऑफ दिस स्पीसीज, मीन्स कि यह कहाँ का नेटिव है, मीन्स कि कहाँ से ये सबसे पहले ग्रो किया गया है, इसके बारे में आज भी डाउट है। लेकिन अभी जो है यह सेंट्रल अमेरिका में ज़्यादा इसको ग्रो किया जाता है। ये जो कॉटन होता है, फ्लावर्स आर ब्राइट येल्लो विद द पर्पल स्पॉट द फ्रूट और द बॉल एज इट इज कॉल्ड एज द थ्री बॉल्स एंड द सीड आर फजी ओनली एट द एंड। तो सी आइसलैंड कॉटन भी इसमें आते हैं, जो कि जो सी आइसलैंड कॉटन है, दिस टाइप ऑफ कॉटन हैज नेवर बीन फाउंड ग्रोइंग वाइल्ड एज इट वाज ऑलरेडी इन कल्टीवेशन एट द टाइम ऑफ द कोलंबस। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इजिप्टियन कॉटन और एक जो कॉटन है यह कहाँ पे मिलता है। द फीचर्स आर एक्सट्रीमली वैल्यूएबल एंड सी आइसलैंड कॉटन वार फॉर्मली इन द ग्रेट डिमांड फॉर द फाइनेस्ट टेक्सटाइल इन, मीन्स की इनका टेक्सचर बहुत ही फाइन होता है, इसलिए सी आइसलैंड कॉटन वर ब्रॉड टू द यूनाइटेड स्टेट फ्रॉम द वेस्ट इंडीज इन 1785। तो ये कॉटन की जितने भी स्पीसीज हैं सबसे पहले इंडिया में ही मिलती थी, उसके बाद दूसरे दूसरे देशों में इनको ले जाया गया। तो कॉटन की कौन कौन सी स्पीसीज कहाँ पे पाई जाती हैं इसके बारे में अभी हम लोग देख रहे हैं। पहली स्पीसीज हो गई, सेकेंड है गॉसिपियम हर्सुटम, दिस इज ए नेटिव अमेरिकन स्पीसीज, यह जो है अमेरिका की नेटिव स्पीसीज है। ए कॉमनली कॉल्ड द अपलैंड कॉटन, इसको अपलैंड कॉटन भी कहते हैं। इसके फ्लावर जो होते हैं वाइट होते हैं या लाइट येल्लो होते हैं, और इनको ग्रो होने के लिए, मीन्स कि इनको ग्रो होने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो 60 to 90 फ़ारेनहाइट के बीच में होना चाहिए। नॉर्दर्न लिमिट ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ इज 13 degrees नॉर्थ। तो ये कॉटन जो है ज़्यादातर अमेरिका में ही होता है। जो थर्ड स्पीसीज है गॉसिपियम हर्बेसियम, यह जो है दिस थर्ड स्पीसीज ऑफ कॉटन इज नॉट फाउंड इन अमेरिका, यह जो है एशिया की स्पीसीज है, ठीक है। गॉसिपियम हर्बेसियम जो है एशिया की नेटिव स्पीसीज है, और यह जो है इंडिया में बहुत पहले से इमेमोरियल, मीन्स कि बहुत समय पहले से कल्टिवेट की जाती है, और यह जो है कि पर्सिया चाइना जापान एंड में भी इसका कंजप्शन बहुत ही ज़्यादा है आज के टाइम पे। कॉटन इंडस्ट्री की बात कर लें तो यहाँ पे क्या होता है कि ये सारी तो स्पीसीज हो गई कॉटन की जिसको कि हम ग्रो करते हैं, और कहाँ कहाँ पे 3-4 स्पीसीज इसकी मेन है। कुछ तो अमेरिका में, साउदर्न अमेरिका में की नेटिव है, वहाँ पे ग्रो की जाती हैं, कल्टीवेशन होता है, और कुछ इंडिया की हैं। उसके बाद हम कॉटन इंडस्ट्री की बात करते हैं तो यहाँ पे है कि लॉन्ग टाइम कॉटन वाज ए वेरी
एक्सपेंसिव प्रोडक्ट मीन्स की कॉटन जो है कि बहुत ही एक्सपेंसिव कीमती बिकता है, और इसलिए इसकी कल्टीवेशन करने वाले लोग जो है इससे अच्छा प्रॉफिट पा सकते हैं। फर्स्ट इम्पोर्टेंस इन बोथ अमेरिका एंड इंग्लैंड, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे हम देख रहे हैं द इन्वेंशन ऑफ द कॉटन गिन बाय द इली विटनी इन द 1793 हाउ एवर रेमेडीड दिस सिचुएशन एंड वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिवोलनाइजेशन ऑफ द इंडस्ट्री विच रैपिडली एज्यूम्ड प्रोपोर्शन ऑफ द फर्स्ट इम्पोर्टेंस इन बोथ अमरीका एंड द इंग्लैंड। मीन्स कि ये ऐसे तो इसको बताया जाता है कि कॉटन की ये जो इंडस्ट्री है इसको जो है इसका इवोल्यूशन किया गया था, ये रिवोल्यूशन किया गया अमरीका और इंग्लैंड में, लेकिन देखा जाए बेसिकली तो ये इंडिया में ही होता है, और यहाँ पे इसकी जो है कल्टिवेशन बहुत समय पहले से की जा रही है। और जो है कि कॉटन टुडे इज प्रोबेबली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल इन द कॉमर्स ऑफ द वर्ल्ड। मीन्स कि अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो इसकी बहुत ही बड़ी इकोनॉमिक वैल्यू है। इकोनॉमी ऑफ द सिंगल क्रॉप हैज ए प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन बोथ द प्रोड्यूसिंग एंड कंज्यूमिंग नेशन। तो यहाँ पे द स्टडी डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द कॉटन क्रॉप इन यूनाइटेड स्टेट्स, आज के दिनों में ये देखा जा रहा है कि बहुत सारी जगहों पे इसके इम्पोर्टेंस जो है घटता जा रहा है। तो ये हो गया कॉटन के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट जो फाइबर है वो है हमारा हेम्प। नेक्स्ट जो हमारा फाइबर प्लांट है वो है हेम्प। तो हेम्प की खेती कहाँ कहाँ पे की जाती है, और ये कहाँ कहाँ से नेटिव है, और इससे हम किस तरह से फाइबर्स को प्राप्त करते हैं इसके बारे में देखेंगे। देयर इज ऑफन कंसिडरेबल कन्फ्यूजन एज टू द रियल आइडेंटिटी ऑफ द गिवन कमर्शियल हेम्प फाइबर बिकॉज द टर्म हेम्प इज द अप्लाइड रैदर लूजली टू इंक्लूड द क्वाइट ए नंबर ऑफ वेरी डिफरेंट प्लांट एंड फाइबर। द ट्रू हेम्प इज कैनेबिस सटाइवा, जो ट्रू हेम्प होता है वो हेम्प हम किसको बोलते हैं, कैनेबिस सटाइवा को। दिस प्लांट इज नेटिव ऑफ द सेंट्रल एंड वेस्टर्न एशिया। तो और यह कैनेबिस सटाइवा जो है एशिया का नेटिव प्लांट है, बट इट इज एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड एट द प्रेजेंट टाइम इन बोथ टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल रीजन। मीन्स कि देखा जाए तो ट्रॉपिकल रीजन में ये ज़्यादा होता है, लेकिन अभी इसको जो है टेम्परेट और ट्रॉपिकल दोनों जगहों पे ग्रो किया जाता है। यह जो है ट्रबलसम वीड के रूप में भी जाना जाता है, यह कहीं भी ग्रो हो जाता है। हेम्प प्लांट जो होते हैं मीन्स कि झाड़ियों की तरह होती है इनकी ब्रांचिंग। हाँ, तो यहाँ पे हम देख रहे थे दिस प्लांट इन नेटिव, मीन्स कि यह जो है सेंट्रल और वेस्टर्न एशिया का ही है, लेकिन यह जो एक झाड़ियों की तरह इसके प्लांट की ग्रोथ होती है, और यह कहीं भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में खुद ही ग्रो हो जाते हैं। और इनकी लीव्स जो होती है पैल्मेटली कंपाउंड लीफ होती है। बेस्ट ग्रेड ऑफ फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम मीन्स कि और यह जो प्लांट है इससे हमें बेस्ट क्वालिटी के फाइबर भी मिलते हैं। और इस प्लांट को ग्रो होने के लिए स्लाइटली ह्यूमिड क्लाइमेट जो है ज़्यादा सुटेबल होता है, लोमी सॉइल होनी चाहिए, तो उसमें ये बहुत अच्छे से ग्रो होता है। हेम्प फाइबर जो होते हैं वाइट बास्ट फाइबर होते हैं विच डेवलप इन द पेरिसाइकिल, जो कि स्टेम से ही प्राप्त होते हैं। इट लैक्स हाउ एवर द फ्लैक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी ऑफ द फ्लैक्स, मीन्स कि इनमें जो है इलास्टिसिटी उतनी नहीं होती जितनी कि कॉटन में होती है।
द यील्ड ऑफ हैम्प इज, हैम्प का जो प्रोडक्शन हम करते हैं तो इसमें यील्डिंग जो हमें प्राप्त होता है वो बहुत अच्छा खासा है। और प्लांट जो है हार्वेस्ट किए जाते हैं बाय द हैंड और मशीन, और मीन्स कि हैंड के द्वारा भी हार्वेस्टिंग की जाती है और मशीन के द्वारा भी। द फाइबर आर सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बार्क बाय रेटिंग, मीन्स कि इनके प्लांट को कट करके हम कुछ दिनों के लिए रख देते हैं और उसके बाद रेटिंग के बाद खुद ही इसके स्टेम से जो इसके फाइबर्स हैं वो अलग हो जाते हैं। हेम्प मस्ट बी हार्वेस्टेड व्हेन द मेल फ्लावर्स आर फुली आउट, तो इनको हार्वेस्ट करने का भी एक पर्टिकुलर टाइम होता है। हेम्प इज वेरी ओल्ड क्राप है, मीन्स कि हेम्प जो है इसकी हिस्ट्री देखें तो ये बहुत बहुत पुराना क्राप है जो कि चाइना और एशिया में, इंडिया में बहुत पहले से करीब 1500 BC से ही पाया जाता है। एंड द कंटिनेंट्स इन द सेंटर ऑफ द इंडस्ट्री टुडे, और यही ये एशिया जो कंटिनेंट है वही सेंट्रल कंटिनेंट है इन द प्रोडक्शन ऑफ द हेम्प फाइबर। हेम्प हैज बीन ग्रोन इन यूनाइटेड स्टेट सिंस, यूनाइटेड स्टेट में ये 1775 से ग्रो किया जा रहा है। हेम्प यूज फॉर द रोप, हेम्प के जो फाइबर होते हैं वो रस्सियां बनाने के लिए, कारपेट बनाने के लिए, सॉल क्लॉथ या कार्बेज मीन्स कि मोटे कपड़े जो बनाते हैं उनके लिए, ट्विन सैक्स बैग्स एंड वेबिंग के लिए यूज किए जाते हैं। हेम्प जो है वेस्ट एंड द वुडी फाइबर ऑफ द स्टेम आर समटाइम यूज इन मेकिंग पेपर। द फाइनल ग्रेड ऑफ द हेम्प कैन बी ओवन इन टू ए क्लॉथ दैट लुक लाइक कोरस लाइनन, तो हेम्प का हेम्प जो होता है कोरस लाइनन मीन्स कि रफ लाइनन की तरह इसका टेक्सचर होता है। दिस इज यूज्ड फॉर कल्किंग द सीम हेम्स बिटवीन द प्लैंक्स एंड द शिपिंग, तो इस तरह से ये ट्रॉपिकल रीजन में हेम्प ग्रोन फॉर इट्स सीड, कुछ ट्रॉपिकल रीजन में हेम्प को ग्रो किया जाता है इनके सीड के लिए, इसके सीड को ड्रग्स के बनाने में यूज किया जाता है। फ्रॉम द फ्लावरिंग टॉप एंड लीव्स द सीड्स कंटेनिंग एन ऑयल दैट इज यूजफुल इन द सोप एंड इंडस्ट्री एज ए सब्साइड लिंसिड ऑयल, द ड्रग भी इससे बनाए जाते हैं नोन एज हसिस, मीन्स की द ड्रग नोन एज हसिस इज ए रेजिनस सब्सटेंस दैट कंटेन सेवरल पावरफुल एल्कलॉयड, इट यूज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट इज प्लेड इन द इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ ऑफ द मैनी कंट्रीज विल बी डिस्कस्ड लेटर। तो फ्रेंड्स ये जो चैप्टर है इसमें हम लोग फाइबर एंड फाइबर प्लांट्स को कर रहे हैं, तो एक ही अगर वीडियो में हम करते हैं तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसका नेक्स्ट का पार्ट हम दूसरे वीडियो में करेंगे। बाकी में जो बचा है वो है हमारा जूट और भी कुछ प्लांट्स हैं जिनसे कि हम फाइबर को प्राप्त करते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए और शेयर करिए मेरे वीडियोज़ को। धन्यवाद।